तो एक झूठे इंसान से परेशान था, ये तो गुरु भाई है मोदी साहब के, उनसे भी ज्यादा बड़ा झूठ बोल लेते हैं। मान साहब और अरविंद जी आए जिस दिन, हमारे यहाँ जहाँ रुके थे वहाँ गाड़ी में थोड़ा देखा, मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा मांगते ही रहते हो तो इतना जरा कहाँ से आ गया। सिंप्लिसिटी तो कहीं देखी ही नहीं मैंने, सिर्फ शर्ट और पैंट में ही दिखी दिखावाई है। तो मैंने पैसे दिए थोड़े, उन लोगों ने मेरा तीसरा फोटो लगा दिया, थोड़े दिए तो मेरे फोटो और फिर से लगने लगे। पूरे व्यापारी लोग टिकटें भी बेचते हैं। रेट मतलब कितना पैसा मांग रहे हैं एक टिकट के लिए? देने वाले की हिम्मत, जितनी टिकट लेने की उत्सुकता उसको उतना लेते थे। ऐसे आदमी को कॉर्पोरेटर बनने तब भी वो चीज़ ठीक नहीं है देश के लिए। सरकार केजरीवाल के बोलने से नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, एनबीटी ऑनलाइन की टीम इस समय राजकोट पहुंच चुकी है और हम जहां बैठे हैं ये राजकोट का ईस्ट विधानसभा क्षेत्र है और हमारे साथ बैठे हैं इंद्रनील राजगुरु। इंद्रनील राजगुरु को कांग्रेस से इस सीट पर टिकट मिला है। इससे पहले इंद्रनील राजगुरु आप में थे और कुछ दिनों पहले इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनकी तैयारी क्या है और उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर पुनः घर वापसी क्यों की। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो यही होगा कि आम आदमी पार्टी छोड़ा कांग्रेस में क्यों वापस आ गए? वैसे छोड़ा ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, कहीं भूला पड़ गया था, क्योंकि 32 साल में कांग्रेस में था, दो पाँच महीने में वहाँ पे गया तो भूला हुआ बोलते, क्योंकि मैं ये सोच के गया था कि यार कैसे भी करके ये एक झूठे आदमी जो हमारे देश के माननीय वड़ाप्रधान के पद पर पहुंच गए हैं तो कैसे भी करके उसको निकालना है। कांग्रेस सामने झूठ बोल के उनको हटाना नहीं चाहती। कांग्रेस सच्ची बात, लोग को मूर्ख नहीं बनाने का, लोगों को झूठ नहीं बोलने का, ऐसी बात लेके कठिन समय में भी बात नहीं छोड़ती है। देश के हित की बात है कि सबको एक लेके करके चलो तभी विकास हो सकता है देश का। वो कठिन टाइम में भी अपनी बात नहीं छोड़ती, ये स्वभाव कांग्रेस का। मैंने सोचा यार गुजरात में थोड़ा ऐसा वैसा करके आम आदमी पार्टी आए और गिरा दे भाजपा को, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि मैं तो एक झूठे इंसान से परेशान था, ये तो गुरु भाई है मोदी साहब के, उनसे भी ज़्यादा बड़ा झूठ बोल लेते हैं। अप्रैल में आपने ज्वाइन किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है जी, आम आदमी पार्टी अहमदाबाद कार्यालय में आपने पार्टी ज्वाइन किया था। अप्रैल के बाद ही दो चार पाँच महीनों में ही मतलब कैसे आपको पता चला कि आप सही पार्टी नहीं, या जो आरोप लगा रहे हैं आप, ये कैसे पता चला आपको? देखिए पहले तो वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं है, कितनी सभाएं की कहाँ से पैसा, वो आंगड़िया बोलते हैं, आंगड़िया यानी पैसा जो ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। कहीं कोई देश से ये देश में या कोई स्टेट से ये स्टेट में, कोई गांव से सिटी से, उसको आंगड़िया बोलते हैं। आंगड़िया में इतना सारा पैसा आता है, फंस जाता है तो बोला इंद्रनील आप स्वीकार लो कि तुम्हारे मैं क्यों स्वीकारूँ। तो दो नंबर के पैसे थे ना, वो भी मान साहब और अरविंद जी आए जिस दिन, पहली अक्टूबर थी तो यहाँ पे दोनों फ्लाइट में प्राइवेट में आए थे। वहाँ पे मैंने हमारे यहाँ जहाँ रुके थे वहाँ गाड़ी में थोड़ा देखा तो मैंने इतना ढेर सारा आपके पास कैसे आ गया, हमारे बोलते हुए है ही नहीं और मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा मांगते ही रहते हो तो इतना ज़रा कहाँ से आ गया। तो बोले ऐसे मालूम नहीं, तो भ्रष्टाचारी नहीं है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस को हराने के लिए नहीं, मैं भाजपा को हराने के लिए गया था। मैंने देखा कि अरविंद जी गाड़ी में बैठ के बोले, चिंताएं व्यक्त करते थे कि अभी यार कांग्रेस का वोट नहीं टूट रहा है, भाजपा का टूट रहा है, उसकी चिंताएं व्यक्त करे। तो मैं तो चौंक गया दो महीने से। ये तो वो सरकार ही बनाना नहीं चाहते, वो देखा मैंने। आम आदमी पार्टी जब आप आ रहे थे कांग्रेस से, तो आपने कहा था अपने बयान में कि
आप बहुत अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगा रही है, पंजाब में उसने अच्छा काम किया है, वहाँ सरकार बनी है, इसलिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी आना चाहिए, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे हो गया? हाँ, ये सोच के मैं गया था ना, जैसे आम आदमी आज सोच रहा है कि जो केजरीवाल जी की बातों में आ रहे हैं सिंपल से दिखते हैं, हमको लगता है कि यार बंदा ठीक है यार, उसके मैंने देखा है कि बस शर्ट पैंट ही सिंपल पहनते, 100 करोड़ के बंगले में वहाँ रहते हैं, बनाया उन्होंने सीएम बनने के बाद, यहाँ आते हैं तो कितनी फैसिलिटीज, कितने लोग साथ में, ये वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, सिंप्लिसिटी तो कहीं देखी ही नहीं मैंने, सिर्फ शर्ट और पैंट में ही दिखी, दिखावा ही है। तो मुझे बाद में जो आज लोग को लग रहा है वो बिन भ्रष्टाचारी है नहीं, वो मुझे पता चला कि वो नहीं है, पैसा आता है। तो ये और जो स्कूल की और हॉस्पिटल की बात करती है, तो मुझे ये भी ख्याल आया कि ये तो काम कांग्रेस 27 साल पहले गुजरात में करती थी, यहाँ ग्रांटेड स्कूल और स्कूल्स ही थी, प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं था, तो वो काम तो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ये भी काम करती थी कि जो सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट में कोई नहीं जाता था, सीधा आदमी इमरजेंसी में सरकारी हॉस्पिटल के, क्योंकि सबसे अच्छे डॉक्टर वहाँ रहते थे, तो राशन किट देते थे, विधवा पेंशन देते थे। तो ये सब सारी स्कीम ये जो बोल रहे हैं वो तो 27 साल पहले कांग्रेस करती थी, ये तो 27 साल में बीजेपी ने बंद किया है। तो कांग्रेस की वो बोलती नहीं है, गिनवाती नहीं है कि भाई आपका पैसा है, आपको हम सहूलियत देते हैं तो हम कोई मेहरबानी नहीं करते, हम नहीं गिनवाएंगे, तो लोग नहीं समझते। तो आप बार बार पैसे की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं जब केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात में आए तो बहुत पैसा देखा आपने, क्या आपने भी पैसा दिया उनको? बोलते थे बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने पैसे दिए थोड़े, तो उन लोगों ने मेरा तीसरा फोटो लगा दिया। बाद में दूसरी बार के प्रॉब्लम है, मेरे पास सहूलियत नहीं थी, तो मैंने बोला यार नहीं है सहूलियत, मतलब पैसे नहीं, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। सहूलियत देने की तब नहीं थी, हर टाइम पैसा खींच पॉकेट में लेके थोड़ी कोई घूमता है। तो मैंने ना बोला, तो फिर वहाँ एक जगह पे मेरा फोटो रखते हैं, लेके रखा, और वहाँ केजरीवाल जी आए तब रखे, बाकी रास्ते में से जो 3 लगते थे वहाँ जगह पे 2 लगने लगे, कहीं सभा में निकाल दे। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ले, थोड़े दिए तो मेरे फोटो और फिर से लगने लगे। पूरे व्यापारी लोग टिकटें भी बेचते हैं, तो उसलिए बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। मैं आपको कितने लोग बताऊं जो टिकट खरीद के आए। रेट पता है टिकट का? हाँ, रेट मतलब कितना पैसा मांग रहे हैं एक टिकट के लिए? देने वाले की हिम्मत, जितनी टिकट लेने की उत्सुकता उसको उतना लेते थे। लेकिन अरविंद जी तो कहते हैं कि वो आम आदमी की पार्टी है, उसमें उन्होंने पंजाब में कई गरीब लोगों को टिकट दिया, दिल्ली में भी उन्होंने दिखाया कि हम तो किसी को भी टिकट देते हैं, तो ऐसे लोगों के पास पैसा कहाँ से आया यार? ये बातें कुछ और करते और वास्तविकता कुछ और होती। आपको बोलूँ मैं, वो नए लोगों को टिकट क्यों देते हैं? कि वो जो कहे उसके कहने में ही रहे, और ऊपर से ये बोल सके देखो आम आदमी को हमने टिकट दिया, ये उनकी स्टाइल भी मैंने वहाँ एकदम जुठावा, एकदम रॉन्ग पार्टी, और रॉन्ग पार्टी नहीं बोलूँगा, बिल्कुल अरविंद जी एक उसको ना सीएम तो नहीं, लेकिन ऐसे आदमी को कॉरपोरेटर बने ने तब भी वो चीज़ ठीक नहीं है देश के लिए, ऐसा गंदा आदमी। मैं एक को बोलता था, अभी ये जान के आया, अब हमारे देश में 2 गंदे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से झूठ बोल सकते हैं। फोटो की बात कर रहे थे, अब आप बता रहे कि जैसे जैसे आप पैसे देने लगे पोस्टरों बैनरों में आपकी तस्वीर बढ़ने लगी। हम जब अहमदाबाद कार्यालय गए थे, जो आप आम आदमी पार्टी की कार्यालय है जहाँ पर आपने ज्वाइन भी किया था, वहाँ आपकी फ़ोटो तो लगी है लेकिन उस पर राख लगा हुआ है काली स्याही। देखियो वहाँ 5 लड़कों को जाके बोला कि उनके फ़ोटो पे ये लगा दो। अरे भाई मेरा लगाया तब, आपने इतना भी नहीं जाना, इतनी बड़ी पार्टी हो आप, आपने इतना भी नहीं जाना कि ऐसा बंदे का फ़ोटो नहीं रखना चाहिए? मैं तो बहुत अच्छा लगता था तभी तो रखा होगा आपने, प्यारा लगता था तभी तो रखा होगा।
लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये जमीनी आदमी है, हमारी बातों में नहीं आएगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो आपने भगाया। ठीक है, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा पूरे गुजरात को और देश को बता रहे हो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप 5 लोगों को खड़ा करके मेरे मुंह के ऊपर काला रंग लगा के आप क्या कहना चाहते हो? आप कौन से संस्कार आपके दिखाए, और ऐसा बोर्ड वहाँ रख के क्या गुजरात की प्रजा नहीं समझेगी? मैं उनको छोड़ो, मैंने तो वो पोस्ट, मैंने उन लोगों ने जो क्लिप बनाई थी, मैंने मेरी फेसबुक पे वो लगाया कि भाई देखो ये इतने गंदे आदमी थे, तो मेरी फोटो पे लगा रहे, लेकिन मैं वहाँ था तब मेरे मुंह पे भी लगाना चाहते थे, ये तो मैं निकल गया उसके मैं नहीं आया। तो ये सब है, बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके, आज लोगों तक बात पहुँचा रहे हो हमारी, तो ठीक है। एक दो सवाल और पूछूंगा, उसके बाद हमारी बातचीत ख़त्म होगी। एक सवाल तो ये कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप वेस्ट से लड़े थे और आपको हार का सामना करना पड़ा था, इस बार आप ईस्ट आ गए जो आपकी पुरानी सीट भी रही है, तो इस बार वेस्ट से नहीं लड़ने की कोई वजह, या पार्टी का फैसला है कि आप ईस्ट से लड़ेंगे? देखो, तब भी मैं ईस्ट से ही लड़ सकता था, जीत सकता था। वेस्ट में इसलिए गया था कि यार मुझे MLA ही बन जाना, ऐसा कोई मेरा शौक नहीं है। ठीक है, मुझे भाजपा की सरकार गुजरात में न रहे, वो मेरा शौक है, क्योंकि वो लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो मैं CM को रोकने के लिए मैंने सीट बदली थी, और मेरी पार्टी को बोल के 35 साल से ये सीट नहीं जीती, मुझे भी पता था, लेकिन CM को टेंशन में रखो तो फायदा पार्टी को होता है, ये मान के मैंने उनको बोल के उनको रोक के रखने के लिए अभी मेरी सीट पे गया हूँ। अभी देखो कैसे, इस बार नहीं बोला आपने, क्योंकि जो वेस्ट सीट है, कभी मोदी जी वहाँ से विधायक रहे थे, भाजपा का गढ़ है वो। अरे भैया, अभी वहाँ CM ही नहीं रहा है। हाँ, मैं तो CM को रोकने के लिए वहाँ गया था, और अभी हमारा जो आदमी रखा है वो भी जीत जाएगा। काफ़ी परेशानी है, काफ़ी भाजपा के लोग बहुत नाराज़ है, ये सीट पे है, सब जगह पे है, उसका भी भारी असर पड़ने वाला है गुजरात पूरा में। आप देखिएगा, आप समझ सकते हैं हम वो सीट की बात से जो निकली है। तो एक आखिरी सवाल आप बता दीजिए, जो हमें देख रहे हैं उनके लिए सवाल है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आप और BJP के बीच फाइट होगी, कांग्रेस है इसमें? बिचारी आप पार्टी, मुझे पता है कि ऐसा बोलना ही चाहिए, उससे आप आगे की बात नहीं की। अभी तो वो ये बोल रहे हैं कि हम 92 सीट्स पे पहुंच गए, थोड़ा और धक्का दो, हमको ज़्यादा सीट चाहिए, बाकी भाजपा को भी हमने हरा दिया, ये भी बोलती है। लेकिन नीचे गलियों में तो कोई बोलना चाहिए ना कि इसकी सरकार बन रही है। सरकार तब बनती है, सरकार केजरीवाल के बोलने से नहीं बनती है, उनकी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बोलने से उनकी सरकार नहीं बनती है। गलियों में जब नाम आम आदमी का आता है तब जाके सरकार बनती है, और वो वहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। 500 लोग की सभा में और राघव चड्ढा गए थे, नहीं हुई थी, 500 लोगों की हुई थी। अरविंद जी की सभा मैंने जो राजकोट में की थी, उससे एक भी सभा उससे बड़ी नहीं कर पाए 6 महीने में। जहाँ भी जाते हैं वो 7-8-10 हज़ार उनके कार्यकर्ता पूरे सौराष्ट्र से है, तो अगर सौराष्ट्र से उठा के वहाँ बिठा दिया, टोपी पहना, जोश दिखाया, जवान लोग बस वो निकल गए, कल वहाँ गए तो वहाँ और जिलों के इकट्ठा किया, वही कार्यकर्ता, वही बात, यार लोग ही नहीं जुड़े उनके साथ। ये जब आपने छोड़ा था आम आदमी पार्टी, तो उस दिन ऐसी खबरें आई कि आपको CM उम्मीदवार नहीं बनाया गया, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी, आपकी तरफ से ये आरोप था? पहली तो बात, झूठे लोग झूठी बात ही कर सकते हैं। मैं 4 घंटे में कांग्रेस में चला गया उनके CM डिक्लेयर होने के बाद, तो क्या मैं 4 घंटे में कांग्रेस के साथ मैंने बात भी कर ली, मैंने सब तय भी कर लिया, मैंने सब मिल भी लिया, मुझे राष्ट्रीय प्रमुख ने टाइम भी, ऐसा थोड़ी होता है। मैं वो दिन भी नहीं गया था, और मैं उनके पहले की 3 सभा में हर सभा में रहता था, लेकिन वो 3 सभा उसकी पहले की 3 सभा में भी मैं नहीं गया था केजरीवाल जी की। और मुझे तो
जब से मैं आम आदमी पार्टी में गया तो मुझे एक जानकारी गया था कि भाई ईशुदान जी को लिया तो वो ईशुदान को ऐसे ही बोल के लिया था कि ये हमारा गुजरात का केजरीवाल है, तो मैं थोड़ी कहीं वहाँ सीएम बनने गया था, तो मुझे दुख लगे, वो तो तय ही था। ठीक है, एनबीटी ऑनलाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुजरात विधानसभा चुनाव की कवरेज गुजरात का रण, बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।